मेरी लेटेस्ट इंस्टाग्राम रील पर 42 मिलियन व्यूज आ रखे हैं और इसको ओपन करके अगर देखते हैं तो लाइक काउंट, कमेंट काउंट और शेयर काउंट आप देख सकते हो कितना अच्छा है। साथ ही बात करें अगर दूसरी वीडियो की तो 31 मिलियन उस पर रीच आ चुकी है ऑलरेडी, और इस पर जो है इस पर भी कमेंट लाइक और शेयर काफी अच्छे आ रखे हैं। 13 मिलियन वाली व्यूज भी है और 10 मिलियन में भी काफी सारी वीडियोस मेरी गई है, और दो चार दिन के बाद ही एक आधी वीडियो जो है मेरी 1 मिलियन में चली जाती है, और मेरी मोस्टली वीडियो है 50,000 व्यू आते ही आते हैं। वो कैसे है, मैंने कैसी ऐसी सेटिंग कर ली है जो आपने नहीं की है जिसकी वजह से मेरे जो है ज्यादा व्यूज आ पा रहे हैं, क्योंकि आप भी वीडियो शेयर करते हो, मैं भी रील शेयर करता हूं, और काफी ऐसे क्रिएटर हैं जो अच्छी क्वालिटी की रील शेयर करते हैं लेकिन उनके जो है व्यूज नहीं आ पा रहे हैं। मैंने कौन सी ऐसी सेटिंग की है वो आज सारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि अगर आप जो है लास्ट तक नहीं बने रहोगे तो आपकी रीच खत्म। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन लगेगी तो कमेंट प्यारा सा कर देना है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं अपनी इंस्टाग्राम की जो है प्रोफाइल पे आ जाता हूं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है रीच कितनी अच्छी आ रखी है, हर वीडियो जो है अच्छी वायरल हो रही है, और जो मेरी मोस्टली वीडियो है जो है 50,000 से अबव भी जाती है, 100K चली गई, मिलियंस में कई व्यूज आते हैं, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी जो है रीच आ रखी है, और उसके लिए मैंने कौन कौन सी सेटिंग की है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे चले जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है टोटल फॉलोअर्स पे जाना है, तो आपने यहाँ से क्या चेक करना है, आपने चेक करना है कि आपकी रील किस टाइम पर ज्यादा व्यूज आते हैं और ज्यादा वायरल होती है, तो आपने नीचे चले जाना है। तो जैसे ही आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपकी वीडियो किस टाइम पर जो है ज्यादा रीच आते हैं आपकी वीडियो पर, तो आपके जो देख सकते हो कि सुबह के 9 बजे के आसपास जो है और 12 बजे के बीच में काफी अच्छे व्यूज आते हैं, तो इस टाइम भी मैं वीडियो डालता हूं, और उसके बाद जो है 5 बजे से 8 बजे के बीच में काफी अच्छी रीच आती है, तो मोस्टली वीडियो मैं उसी टाइम पर डालता हूं। तो आपने क्या करना है, यहां से चेक कर लेना है कि आपकी रीच किस टाइम पर ज्यादा आती है। अगर सही टाइम पर आप वीडियो डालने लग गए तो आपकी रीच आने को कोई नहीं रोक सकता। उसके साथ ही और भी सेटिंग करनी है आपने, वो भी मैं सेटिंग बताता हूं। तो हमने नीचे चले जाना है, जाने के बाद जो है आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो है फॉलोअर्स मेरे कितने अच्छे गेन हुए हैं, और जो है अकाउंट रीच देख सकते हो 25 मिलियन इस मंथ की मेरी रीच है, और अकाउंट एंगेज की बात की जाए तो 2.4 मिलियन अकाउंट एंगेज है। तो ऐसे ही आप जो है जो मैंने सेटिंग की हुई है अगर वो आप सेटिंग कर लोगे तो आपकी रीच भी इतनी अच्छी हो जाएगी। तो उसके लिए हम बैक चले जाते हैं, बैक जाने के बाद जो है हमने 3 डॉट पे चले जाना है। 3 डॉट पर जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या सेटिंग करनी है, हमने जो है नीचे चले जाना है, उसके बाद जो है क्रिएटर टूल्स और यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने नीचे चले जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी स्विच अकाउंट टाइप की, स्विच अकाउंट टाइप पर हमने क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जैसे हमारे पास जो है इंटरफेस आ जाएगा, तो ये क्या है कि आपका अगर पर्सनल अकाउंट है या फिर प्राइवेट अकाउंट है तो उसको आप जो है स्विच कर लेना है प्रोफेशनल अकाउंट में। यहाँ पर अगर आपका जो है पर्सनल अकाउंट होगा तो यहाँ पर लिखा आएगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करोगे तो 2-3 सेटिंग करने के बाद आपका जो है प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा। प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाना है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, तो वहां से आप देख सकते हो। अगर आपका जो है प्रोफेशनल अकाउंट नहीं होगा तो जो मैंने पहले बताया है, जैसे प्रोफेशनल यहाँ पर बैक चले जाते हैं, यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपका शो नहीं हो रहा होगा, शो तभी होगा अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाया होगा। उसके बाद हमने 3 डॉट पर फिर से जाना है, जाने के बाद जो है हमने नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद जो है यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग की एक ऑप्शन आएगी, तो इससे क्या होगा कि आपके जो है 1-3 से 2 निशाने लग जाएंगे। उससे क्या होगा कि जैसे आप मान लो इंस्टाग्राम पर अलग रील डालते हो और उसके बाद वही रील आप जाके फेसबुक पर दोबारा डालते हो, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपकी सेम वीडियो जो सेम रील सेम पोस्ट सेम स्टोरी जो है जो आपने इंस्टाग्राम पर डाली होगी, ऑटोमेटिकली वो आपकी जो है
फेसबुक पर ऑटोमेटिकली डल जाएगी, तो आपको दो दो बार जो है गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सिंपल तरीके से एक तीर से दो निशाने कर सकते हो, आप जो है दोनों जगह एक बार में ही पोस्ट डाल सकते हो। यहाँ पर फिर से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अगली जो सेटिंग करनी है, यहाँ पर टैग्स एंड मेंशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो आपने क्या करना है, जो जो मैंने यहाँ पर सेटिंग की है वो आपने करनी है, क्योंकि अगर आपको लोग टैग कर पाएंगे तभी आपकी रीच ज्यादा बढ़ पाएगी। तो आपने यहाँ पर अलाउ टैग्स फ्रॉम एवरीवन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन आएगी, अलाउ मेंशन फ्रॉम एवरीवन। मेंशन और टैग जो है सभी लोग अगर आपको कर पाएंगे तो आपके रीच ज्यादा बढ़ने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो जो मैंने सेटिंग की हुई है आप एक बार देख लो, अपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, तो वो सेटिंग यहाँ पर भी आपने कर लेनी है। उसके बाद जो है हमने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अगली जो सेटिंग है, तो हमने जो है शेयरिंग एंड रिमिक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी जो जो मैंने सेटिंग की है तो वो आपने सेटिंग कर ले हैं नहीं है, जैसे कि आपके साथ कौन जो है शेयर कर सकता है आपकी वीडियो, आपके जो है रील्स को जो है शेयर करके अपनी स्टोरी पर कौन लगा सकता है, वो सारी सेटिंग है। अगर आपकी रील ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, अपनी स्टोरी पर लगाएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजेंगे, व्हाट्सएप पे भेजेंगे, लिंक कॉपी करेंगे, लोगों को भेजेंगे, तभी आपकी रीच बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आपने जहाँ जहाँ मैंने अलाउ किया हुआ है, जैसे सारा ही अलाउ किया हुआ है, तो यहाँ से आपने अलाउ कर लेना है और बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अगली सेटिंग जो करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग जो है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की रीच रुकी हुई है, काफ़ी लोगों को रीच नहीं आती है इस वजह से। तो ये वाली सेटिंग करनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हमने जो क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन दिख रही होगी, डाटा यूजेस एंड मीडिया क्वालिटी, यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पहली ऑप्शन है, उसको तो हमने ऑफ करना ही है। अगर आपके वाईफाई वगैरह नहीं लगा हुआ है घर, या फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, तो इसको ऑन कर सकते हो आप। लेकिन दूसरी जो सेटिंग यहाँ पर है, अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, इसको ऑन करना है। अब इसको ऑन करना क्यों जरूरी है, इसको ऑन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लो आप कहीं गए हुए हैं और आपका नेटवर्क कम है और आपने अच्छी क्वालिटी की, अच्छे पिक्सल के साथ आपने वीडियो कोई डाली है और आपका नेटवर्क जो है बहुत कम है, तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, आपकी वीडियो के पिक्सल कम करके जल्दी से आपकी रील डाल देगा। तो ऐसा आपने नहीं करना है, इसको ऑन करके रखना है, क्योंकि अगर आपकी पिक्सल ही कम हो गए तो आपकी रीच कैसे बढ़ेगी। जितनी हाई क्वालिटी आपकी वीडियो होगी उतना ही चांसेस ज़्यादा होंगे आपके वीडियो के वायरल होने के। आपने काफ़ी देखा होगा कि आपकी जो रील आपने बनाई है, एडिट की है, आपने मान लो किसी ऐप से एडिट की है, उसकी क्वालिटी हो रहा है और आपने जो रील डाल दिया उसके बाद पिक्सल फटने लग गए, वीडियो शेक होने लग गया, वीडियो जो है रुकने लग गया, और जहाँ फिर वीडियो अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है, तो इसी वजह होता है। ये वाली सेटिंग अगर आपने नहीं की है तो आपके ऐसे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आप चाहते हो कि आपने जिस क्वालिटी में रील बनाई है या फिर पोस्ट है आपकी, उसी क्वालिटी में वीडियो जो है आपकी इंस्टाग्राम पर डले, तो इसको आपने ऑन करके रखना ही रखना है। ये वाली सेटिंग आप देख लो, ये वाली सेटिंग काफ़ी लोग होंगे कि ये वाली सेटिंग उन्होंने नहीं कर रखी होगी, तो ये वाली सेटिंग करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो आपको करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से जो है आपकी रीच जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके लिए क्या करना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आना है। हमने डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर जो है नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आ रहा है ट्रेंडिंग ऑडियो, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ आने के बाद देख सकते हो कि ट्रेंडिंग ऑडियो सारे शो हो रहे हैं। जिस भी ट्रेंडिंग ऑडियो पर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, लेकिन आपको इसका जो है बेनिफिट मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम ने अगर किसी वीडियो को या फिर किसी ऑडियो को ट्रेंड में डाला है, तो इंस्टाग्राम खुद चाहता है कि आप लोग उस ट्रेंड पर वीडियोज़ बनाएं या रील्स बनाए। तो आपने उसी ट्रेंडिंग ऑडियो पर अगर रील बनाई है या बना रहे हो, तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे ग्रो करने के, आप ज़्यादा वीडियो आपकी वायरल होगी, आपकी रील जो है काफ़ी रीच पकड़ेगी, मिलियंस में व्यू आएंगे, आपकी जो है मोस्टली वीडियो जो है वायरल होने शुरू हो जाएगी। तो आपने जो है जो भी वीडियो बनानी है, मान लो आपकी कॉमेडी की वीडियो है, तो आप सोचेंगे कॉमेडी वाली वीडियो मैं कैसे जो है किसी की और की ऑडियो लूंगा। तो आपने क्या करना है, जब वीडियो डालना है तो वहाँ पर एक ऑप्शन
ऑप्शन आती है वीडियो डालने पर कि आप जो है आवाज उसकी कम कर सकते हो, ऑडियो की आपने आवाज कर देनी है कम और अपना जो ओरिजिनल साउंड है उसकी आवाज ज्यादा कर देनी है, जिससे आप जो है वहां पर ऑडियो पेज पर आप चले जाओगे और ऑडियो पेज पर अपनी वीडियो डाल पाओगे, अपनी खुद का कंटेंट डाल पाओगे और वहां से आपके चांसेस ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे वीडियो वायरल होने के। अभी जो जो मैंने सेटिंग बताई है सारी सेटिंग मैं खुद अपने पेज पर करता हूँ, ये नहीं है कि मैंने ऐसी वीडियो डाल दी है, सारी सेटिंग मैं अपने पेज पर करता हूँ तभी मेरी जो है वीडियो वायरल होती है। तो अगर आप भी चाहते हो आपकी वीडियो वायरल हो तो ये वाली सेटिंग आप कर लो, और भी काफ़ी सेटिंग है। वीडियो कैसे डालनी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रील कैसे डाली जाती है, सही तरीका क्या है रील डालने का, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये वाली सेटिंग अगर आपने नहीं की है तो ये सेटिंग कर लो, उसके बाद कोई भी आपको परेशानी हो दिक्कत हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप जो है जाकर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे ना वीडियो कैसी लगी और आपको क्या मदद मिली, तो आप जो है मैं वहां पर भी आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।